नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। जितने भी CSC BLE भाई हैं, अभी उनके पास एक स्पेशल मौका आने वाला है, जिसकी प्लानिंग आप लोग अभी से करोगे तभी अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि PM किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त आने वाली है, और आप लोगों को डेट तो शायद फाइनल नहीं हुई होगी, आपको पता भी नहीं होगा कब आएगी। ना कहीं पर अपडेट है इसकी, ना PM किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर है, ना ट्विटर पर किसी ने भी इसकी अपडेट दी है, लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा फाइनली डेट रिलीज कर दी गई है PM मोदी द्वारा। और अलग जगह पर, मतलब पहले जिन जगह पर होती थी उस जगह पर नहीं की, एक अलग जगह पर, एक अलग वेबसाइट पर अपडेट की गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि PM किसान सम्मान निधि योजना की किस्त कब आएगी, और उसके बाद जो CSC BLE भाई हैं वो अभी से प्लानिंग करके किस्त आने के बाद DGPay के माध्यम से पेमेंट विड्रॉ करने की सर्विस का कैंप लगा के किस तरीके से काम कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में रहने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि किसान भाई PM किसान सम्मान निधि योजना का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और काफी समय हो गया PM किसान सम्मान निधि की किस्त को लेट होते होते, क्योंकि बेसिकली जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के हिसाब से यह किस्त डेढ़ महीने पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन इसे डेढ़ महीने से ज्यादा हो गया। तो किसान भाई बहुत ही व्याकुल हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान है कि किस्त कब आएगी। आप लोग भी बड़े परेशान है कि कब किस्त आएगी। तो सरकार की एक वेबसाइट है PM इवेंट्स नाम से, उस वेबसाइट पर सरकार ने अपडेट दे दी है। एक बैनर मैं आपको दिखाता हूं, ये उसी वेबसाइट का बैनर है। इसमें आप देख सकते हैं कि PM नरेंद्र मोदी टू ट्रांसफर 14वीं इंस्टॉलमेंट टू 8.5 करोड़ PM किसान बेनिफिशियल्स एंड इंटरेक्ट विद दी फार्मर 28 जुलाई 2023 11 AM यानी सुबह के 11 बजे आपको ये किस्त 28 जुलाई 2023 को PM किसान सम्मान निधि की 14वीं ट्रांसफर होने वाली है, और सरकार ने इसकी जानकारी दे भी दी है PM इवेंट्स वेबसाइट के माध्यम से। तो दोस्तों, आप लोगों के पास लगभग 7-8 दिन अभी भी हैं। अगर आप लोग इस प्लान को लॉन्च करती हो तो आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही किसानों के PM किसान सम्मान निधि योजना के पैसे आते हैं, तुरंत ही वो लोग उसको विड्रॉ कराने के लिए इधर उधर जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ATM है तो वो ATM से निकाल लेते हैं, बहुत सारे लोग बैंक जाके निकालते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है उन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग CSE सेंटर पे ही पैसे निकलवाने के लिए आते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अलग अलग जगह पर कैंप लगाने, और कैंप कब लगाना है आपको 28 जुलाई को ही कैंप ऑर्गेनाइज करना है। 11 बजे PM किसान सम्मान निधि योजना की किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी, और 12 बजे से आपको कैंप शुरू कर देना है, और बल्कि 11 बजे से ही आपको अपना कैंप शुरू कर देना है। लेकिन अभी से आप लोग किस तरीके से प्लानिंग करोगे, कैसे आगे काम करोगे, कैसे कैंप लगाओगे, इस चीज की जानकारी भी मैं आपको दे देता हूं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले ही डिसाइड करना होगा कि कौन कौन से गांव में आप लोग अपना कैंप लगाना चाहते हैं, उन गांव की लिस्ट आपको बनानी होगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको हर गांव में या तो एक जगह पर रह के कैंप लगाना होगा, या घर घर जाके आपको कैंप लगाना होगा। आपको पता होगा DGPay मोबाइल में भी काम करता है, आप मोबाइल में ले जाके लोगों के घर घर जाके कि आपको पैसे निकलवाने हैं तो अंगूठा लगवा के उनके पैसे निकाल के दे के आ सकती हो। तो आप लिस्ट बना लीजिए कितने गांव को कवर करोगे, और उसके बाद जैसे ही 11 बज जाए आप और एक बंदे को और साल ले जाइए, और एक एक गांव में जाके सुबह से लेकर शाम तक और लेट नाइट तक भी आप लोग जा जाके लोगों के पैसे विड्रॉ करने की सर्विस दे सकते हैं घर पे जा जाके, और कम समय में अच्छा खासा पैसा आप लोग कमा भी सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।